एक्चुअली एक्टिंग का कभी नहीं सोचा बिकॉज हमारे घर में आर्टिस्ट रहते थे सुबह से लेकर शाम तक. आई कुड सी इवन ऑल द एक्टर्स इन माय फादर्स हाउस एज ग्रोइंग अप चिल्ड्रन. हम स्कूल जाते थे, हम कॉलेज जाते थे तो अक्षय कुमार बैठे होते थे हमारे घर में डैडी को मिलने के लिए और काफ़ी अदर एक्टर्स. एंड ऋषि कपूर जी वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर एंड नीतू सिंह बिकॉज दे वर कास्ट फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ रोमांटिक जोड़ी बाय माई फादर इन रफू चक्कर विच वॉज अ ह्यूज हिट. तो ये सारे हमारी फैमिली ही हुआ करते थे एंड दे वर ऑलवेज अराउंड अस इन द हाउस. और धर्मेंद्र अंकल के लिए हमारे घर में पाया बनता था, उनके घर में पाया जाता था हमारे घर से क्योंकि पाया इज हिज फेवरेट डिश. तो हर एक का एक अलग ही वो होता था कि हमें ये खाना है, हमें कबाब खाना है. तो हमारा भटियारा दिन रात पकारा होता था फॉर द फिल्म इंडस्ट्री. तो ऐसे हम पले बड़े हैं एंड कभी सोचा ही नहीं एक्टिंग करने के लिए क्योंकि डैडी वॉज एक्चुअली अ बिल्डर. He was from real estate. He had building a business, a construction business, landowners, and they got into filmmaking by default. So he was a very professional, like he was a business-minded person. वो फिल्मी kind of person नहीं थे. वो sets पर जाते थे सुबह 6 बजे. He was the first one who would open the sheds and the shades for shooting before the light man and everything. A real Gujarati businessman. So he would be on the sets first. ऐसे नहीं कि प्रोड्यूसर बाद में आ रहा है. ही वुड बी द फर्स्ट वन. ही वुड टेक द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द डे. लाइट मैन, ये क्या हुआ, साउंड इक्विपमेंट, मशीन, बेबी डॉली, ये वो. तो बचपन से हम ये नाम सुनते आ रहे हैं. तो ही वुड सिट, ही वुड टेक द अकाउंट्स एंड ही वुड ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस प्रोफेशन. तो ही नेवर एवर वॉन्टेड कि उनके बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में आए. आई डोंट थिंक ही वुड वॉन्ट इट. हमने कभी हिम्मत ही नहीं की कि हम डैडी से कहें कि हमें एक्ट्रेस बनना है क्योंकि वी न्यू कि भाई डैडी तो बिजनेस मैन है. आई डोंट नो हाउ ही विल टेक इट. सो वी नेवर एवर थॉट ऑफ एक्टिंग. और बहुत जल्दी शादी हो गई. आई वॉज वेरी वेरी यंग एंड आई गॉट मैरिड इन कॉलेज इन सेल्फ टू माई कॉलेज स्वीट हार्ट दैट इज मोहम्मद मोरानी. सो वी बोथ इन कॉलेज वी स्टार्टेड आवर करियर्स टुगेदर. मोहम्मद स्टार्टेड द एंटरटेनमेंट बिजनेस in 1990 and he was also fresh out of college and he was raring to do something different. His family made films like Raja Hindustani, Damini. Of course he was part of it because he did the action and he did all of that and he did the pyrotechnics for the film. He had his own fireworks factory and Morani fireworks, you must be knowing. So we were doing film effects and special effects for the film industry as well. तो हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे एंड आई यूज्ड टू गो फॉर दीज पायरोटेक्निक शोज विद मोहम्मद. सो ही यूज्ड टू बी डूइंग ऑल दिस. तो ये जब शोज करते थे एंड देन एवरीबडी वुड नो दैट भाई आप शोज कर रहे हैं इतने बड़े तो एंड योर फैमिली इज ऑल्सो मेकिंग मूवीज एंड एवरीथिंग सो वाई डोंट यू कंबाइन दिस. सो मोहम्मद सेड येस, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग फिल्म्स. आई वॉन्ट टू डू एंटरटेनमेंट. आई वॉन्ट टू ब्रिंग पायरोटेक्निक्स. आई वॉन्ट टू ब्रिंग फायर वर्क्स. आई वॉन्ट टू ब्रिंग केटरिंग. आई वॉन्ट टू ब्रिंग फूड, light, sound on stage, as well as artists and be associated with the artists because bachpan se hi hamara bahut acha relationship tha with the artists. Like Sunny Deol grew up with Muhammad and Kareem and of course Sunny was a friend of Muhammad's elder brother Kareem. But these people were in our house all the time even after we got married. So Muhammad started entertainment and Cine Yug Entertainment and he took a diversion from Cine Yug Films. So we started the careers together and even when we started doing stage shows, Bachchan sir was one of the first stars that we took to London and America and Europe and all over. And Juhi Chawla was there, Aamir Khan was there, Shri Devi was there on that show, I remember. So we were very, very young and the choreographer said ki, you know, ye stage show ho raha hai and Bachchan sir ke liye hame ek young ladki chahiye who we can flirt with on stage. वो गाना गा रहे हैं, एक यंग लड़की आती है फ्रॉम द ऑडियंस एंड शी हैज टू कम ऑन स्टेज व्हेन बच्चन सर कॉल्स हर एंड शी हैज टू डांस विद बच्चन सर एंड इन द एंड शी हैज टू जस्ट शर्क ऑफ एंड वॉक ऑफ एज अ बहुत भाव गा रही है. तो जैसे कभी ऑडियंस में से किसको उठाएंगे बिकॉज उनको तो स्क्रिप्ट पता नहीं है. तो लकी, व्हाई डोंट यू सिट इन द ऑडियंस बिकॉज यू नो एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, द ड्रेस, द कोरियोग्राफी, द ये, द वो. So they said, when Bachchan sir bulayenge, aap please aaiye on stage and you do this act and you go. So I was really, really shy. I said, I don't know.
फिर भी कर लेते हैं. तो मस्ती मस्ती में आई केम ऑन द स्टेज and I did the whole act with Bachchan sir and I went off and it was a very nice moment because we all laughed in the end and we said lucky dekho abhi aapka stage debut to ho hi gaya hai, now you have to take it forward. And then of course I took up theater in 2005-2006 under Nadra Babbar and I started acting. So I'm a stage actor. I do a lot of English musicals and Hindi musicals. I've done Sound of Music. And Sydney, you launched me as the lead in City of Dreams. So I've done City of Dreams.